नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के अरला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पूर्व प्रधान 60 वर्षीय श्री राम चौहान की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए वर्तमान प्रधान पति राम सेवक चौहान, दिव्यांग सती राम चौहान समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वही हत्या में प्रयुक्त तमंचे को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने सभागार में गिरफ्तारी की कार्रवाई का खुलासा करते हुए SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 29 सितम्बर की आधी रात को अपने नए घर के बरामदे में सो रहे पूर्व प्रधान श्री राम चौहान के गणपति पर गोली मारकर हत्या के मामले में उनके विश्वसनीय साथी व घटना के समय उनके बगल की चारपाई पर सो रहे दिव्यांग सतीराम चौहान को गिरफ्तार किया गया। वह पहले दिन से ही जांच के दायरे में था, क्योंकि बगल में सोने के बाद भी तमंचे से फायरिंग की आवाज नहीं सुनने की बात उसने कही थी। पूछताछ में सतीराम ने बताया कि अपने भाई की पत्नी को गाँव में पंचायत सहायिका की नौकरी लगाने के लिए वर्तमान प्रधान पति राम सेवक चौहान से संपर्क किया था। तब वर्तमान प्रधान पति ने चुनावी रंजिश व मुकदमेबाजी के चलते पूर्व प्रधान की हत्या करने पर नौकरी के साथ ही 50,000 देने का लालच सतीराम चौहान को दिया। इसके बाद प्रधान के पुत्र सुरेंद्र चौहान और सुरेंद्र के पुत्र शुभम चौहान भी साजिश में शामिल हो गए। घटना वाली रात पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान अपने पुराने घर से रात में 9 बजे अपने नए घर के बरामदे में रोज की तरह कट जाकर सोए। उनके बगल की चारपाई में सतीराम चौहान सो गया। रात में ही सुरेंद्र चौहान ने सतीराम को तमंचा उपलब्ध कराया। इसके बाद ठीक 12 बजे सतीराम चौहान ने श्रीराम चौहान की गणपति पर फायरिंग कर दिया। 12 बजे का समय इसलिए तय किया गया कि लोग समझे कि बर्थडे को लेकर किसी ने आतिशबाजी की है। गोली लगने के बाद दिव्यांग सतीराम वहीं रह गया, जबकि अन्य आरोपी मौके से भाग गए। जब मौके पर कोई नहीं आया तो तसल्ली होकर सतीराम तमंचा लेकर अपने घर में छुपा दिया। देखिए, 30 सितंबर 2024 को थाना एरौला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर तत्काल थाना एरौला की पुलिस क्षेत्र अधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधान पति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से नारूंगा कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया, तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधान पति हैं राम सेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था। क्योंकि मेरे बड़े भाई की पत्नी, उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने ये घटना उपकारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए, वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और रामसेवक चौहान हैं, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी तो रामसेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे। और रात में 12 बजे ये घटना की गई है, क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने का क्या कारण था, तो उन्होंने बताया कि इससे गांव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इससे लोग ज़्यादा एकत्रित ना हो और ज़्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की। सर, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था, क्यों मरवाना चाहता था वो? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो सतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है, उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार, तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था, और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज़ उसको, सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी ये चीज़, तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने एक घटना कार्य। सर, कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितने भी इसमें फरार? इसमें अभी तक
कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और सतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है, जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की। सर, सुरेंद्र चौहान हत्या क्यों कराना चाहते थे? देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी, कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता रामसेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था, इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने ये घटना कारित किया। सर, एक शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद घटना को अंजाम देने की बात है, तो तब क्या पुलिस को गुमराह करना है या इस पे पुलिस का पहले से शक नहीं जाना? देखिए, पहले दिन से ही डे जीरो से ही बगल में सोए होने के कारण और इसको भनक भी ना लगना, ये हमारे लिए संशय का विषय था। उस पर हम लोगों ने जब गहराई से जाँच की और कड़ाई से इससे पूछताछ की तो ये सीधे प्रकाश में आई। विकलांगता होने का ये फायदा उठाना चाहता था, लेकिन जब हमने गहराई से इसे पूछताछ की कि तुमने क्यों मारा और किस कारण से मारा और तुमको असला कहाँ से मिला, तो उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि सुरेंद्र चौहान ने मौके पे मुझे, जब मैं लेटा हुआ था, तो उसने ही लाके असला मुझे दिया था और मैंने केवल बगल में आके और घटना को अंजाम दिया, असला को वो लेके चला गया। सर, फायर की आवाज़ किसी गांव घर वालों ने नहीं सुनी, उसी परिवार में रहते थे लोग, तो क्या किसी विशेष तरह का असला था क्या वो? देखिए, जिस जगह पे इसने मारा है और जहाँ सोते थे वहाँ पर कोई और इसके अलावा नहीं सोता था। एक दिन, दो दिन पहले ही इसका जो लड़का था ब्रजवान चौहान, वो सोता था, लेकिन वो भी ससुराल गया हुआ था। तो इन्होंने इसी मौके को अच्छे समझा कि ये मौका है जब मैं और वो अकेले रहेंगे और इसको मारा जा सकता है, इस कारण ये घटना की गई। और बाकी अन्य जो परिवार सदस्य थे वो गाँव के किसी अन्य घर में सोते थे, साथ में नहीं। ठीक है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।